समर में एक लड़के का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है। वो एक न्यू लड़की से मिला जो सिर्फ इस टाउन में विजिट कर रही थी। प्रॉब्लम तब आता है जब यह लड़का उस लड़की का ऑब्सेशन बन गया। सारी चीज़ों ने वायलेंट रूप ले लिया। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2017 की यू गॉट मी एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर टायलर को देखते हैं। वो कहता है कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, उसका जॉब सी के पास है, वहाँ पर वेटर का काम करता है, पर उसकी टिप वगैरह अच्छी है। उसकी लाइफ में उसकी ब्यूटीफुल सी गर्लफ्रेंड एलिसन है। उसे लगता था कि एलिसन के आने के पहले उसकी लाइफ ब्लैक एंड वाइट थी, पर उसके आने के बाद सब कुछ कलर में बदल चुका है। प्यार में अपने आप को बेटर करने की कोशिश करता है। एलिसन भी उसे अलग अलग चीज़ें ट्राई करने के लिए हमेशा सपोर्ट करती है। इन दोनों की रिलेशनशिप परफेक्ट थी। टायलर के घर पर उसकी मदर और सिस्टर है। उसकी मदर हमेशा काम करती है तो अपनी सिस्टर का वो ख्याल रखता है। आज रात टायलर अपने फ्रेंड्स और एलिसन के साथ एक पार्टी में आता है। टायलर का फ्रेंड गिल उसे कहता है कि तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हें एलिसन जैसी लड़की मिली है, उसे कभी भी जाने मत देना। यहाँ इसी पार्टी में एलिसन का एक ओल्ड फ्रेंड उसे मिला जिसका नाम है चेस। चेस जाकर उसे बात करता है, कहता है कि सोबर होकर तुम तो बहुत ही अलग लगती हो। इसका मतलब है पहले वो बहुत ही पार्टी किया करती थी, अभी 6 मंथ्स हुए वो इस न्यू टाउन में आई थी। चेस एलिसन के ओल्ड टाउन से था तो इस वजह से उसे वहाँ से जानता था। एलिसन अपनी पुरानी लाइफ पीछे छोड़कर आई थी तो उसे इसके बारे में बात करना ज़रा अनकंफर्टेबल लगता है। वो चेस को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। टेलर ने देखा और वो भी उसके पास आ गया। वो उसे कहती है कि प्लीज़ मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। ड्रिंक लेने के लिए जब टेलर जाता है वहीं पर चेस भी था। चेस ने टेलर से कहा कि एलिसन को अगर तुम प्रीवियसली जानते तो बहुत ही वाइल्ड थी। चेस और एलिसन एक दूसरे को डेट करते थे। इन सब बातों की वजह से टेलर ज़रा अपसेट हो गया। वो बाथरूम के पास आया और वहाँ उसे हॉली मिलती है। ये दोनों एक दूसरे से बात करने लग गए। उसने कहा कि आज मेरा ब्रेकअप हुआ है। टेलर कहता है मेरी भी अभी अभी इंसल्ट हुई। एलिसन कहती है तुम्हारी कौन इंसल्ट करेगा, वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। इसके बाद ये दोनों अलग अलग अपनी पार्टी एंजॉय करते हैं। टेलर पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया। एलिसन उसके पास आई, पूछती कि हुआ क्या। टेलर कहता है कि तुम पहले उसको डेट कर रही थी और 6 मंथ्स हो गए, हम दोनों अब तक इंटीमेट भी नहीं हुए। इस बात से वो बहुत ही अपसेट था। एलिसन उसे समझाने की कोशिश करती है पर टेलर समझता नहीं। एलिसन को भी इस बात पर गुस्सा आ गया और ये दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। टेलर फिर पार्टी से बाहर आया और वो वहाँ हॉली से मिलता है। उसने उससे कहा कि मेरा भी अभी अभी ब्रेकअप हो गया। हॉली कहती है क्यों ना हम कहीं और चलते हैं। वो दोनों फिर क्लब गए, डांस करते हैं। हॉली ने टायलर को ड्रग्स की एक गोली दी। इसके बाद वो हॉली के घर पर आए और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह टायलर ने ये सब जगह देखी, ये बहुत बड़ा प्लेस था। हॉली से वो पूछता है कि हम दोनों है कहाँ। वो कहती है कि इसके ओनर ज़रा बाहर गए तो पूरे समर मैं इसका ख्याल रख रही हूँ। हॉली अपने निकाले हुए फ़ोटोज़ को देख रही थी। वो बहुत अच्छे फ़ोटोज़ निकालती है तो टायलर इसे सरप्राइज था। ये दोनों फिर पूल के पास बैठे। टायलर को ये जगह बहुत पसंद थी। हॉली कहती है मेरे फादर को भी ये जगह बहुत पसंद आती, वह अपनी पूरी लाइफ वो सिर्फ काम करते रहे। इसके बाद ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बारे में जान रहे थे, जैसे कि फैमिली, उन दोनों को क्या अच्छा लगता है। इनका आज का डे बहुत ही ब्यूटीफुल था। अगले दिन टायलर यहाँ से निकल रहा था तो हॉली से कहता है हम दोनों के बीच में जो है ये बहुत ही स्पेशल है। घर पर आकर टायलर ने अपना फ़ोन देखा तो एलिसन उसे फिर से बात करना चाहती थी। अगले दिन वो उसके घर जाता है। एलिसन उसे कहती है तुम्हारे आने से पहले मेरी अलग लाइफ थी, मैं बहुत ही अजीब थी, हमेशा ड्रंक रहती थी। सारी चीज़ें छोड़कर मैं इस टाउन में मूव हुई हूँ, मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। हमारे बीच में जो भी है ये मुझे बहुत ही स्पेशल लगता है, इसी वजह से मैं ज़रा वेट कर रही थी। टेलर भी ये बात समझ सकता है। एलिसन ने टायलर को आई लव यू कहा और इन दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है। अब इसके बाद समर वैकेशन ख़त्म होते हैं। टायलर जब स्कूल आता है तो उसी की क्लास में उसे हॉली फिर से मिली। उसे देखकर सरप्राइज था। हॉली उसे कहती है मेरी मदर ने डिसाइड किया कि हम यही रहेंगे। हॉली ने टायलर और एलिसन को एक साथ देखा था तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। टेलर उसे कहता है हमारे बीच में जो भी हुआ प्लीज़ ये बात किसी को भी बताना मत। हॉली भी ये समझ सकती है। इसके बाद जब लंच ब्रेक हुआ तो एलिसन और हॉली ये दोनों एक साथ ही आए। हॉली भी इनके ग्रुप का पार्ट बन चुकी थी। आज रात पार्टी के लिए हॉली इन सबको इनवाइट करती है पर टायलर ने मना कर दिया। उसके लिए बहुत ही वियर्ड था। वो टायलर को टेस्ट कर स्कूल में इस जगह पर अकेले मिलने के लिए बुलाती है।
वो उसे किस करने लग गई थी, पर टायलर कहता है कि हम दोनों ये सब नहीं कर सकते। हमारे बीच में जो भी समर में हुआ वो सिर्फ एक मिस्टेक थी। एलिसन और मेरा अगर ब्रेकअप नहीं होता तो मैं कभी भी नहीं करता। हॉली इस बात पर बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई। वो कहती है, तुमने मुझे यूज़ किया, तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। अगले दिन हॉली, एलिसन और उनकी फ्रेंड लीडिया ये सब बात कर रहे थे। लीडिया हॉली से कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम चेक किया, तुम्हारा कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं है। हॉली कहती है कि मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। लीडिया को ये बात बहुत ही अजीब लगी। इसके बाद ये हैंग आउट करने के लिए टायलर के कैफे पर आए। यहाँ पर हॉली अपने फोटो सबको दिखा रही थी। इसमें एक फोटो टायलर का भी था, पर उसका फेस इसमें नहीं है। टायलर ये देखकर ज़रा डर जाता है। सब मिलकर फिर बीच पर हैंग आउट करने के लिए आए। एलिसन पूछती है, वो फोटो में का लड़का कौन है। हॉली कहती है, जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे पता था हम दोनों में एक कनेक्शन है। उस रात जो भी हुआ था ये सारी चीज़ें वो एलिसन को बताती है। ये बताते वक्त टायलर को जेलस फील कराने के लिए उसके फ्रेंड गिल को किस करने लगती है। एलिसन और हॉली अच्छी फ्रेंड्स बनने लग गई थी, टेलर को अच्छा नहीं लगता। आज रात भी एलिसन और हॉली ये दोनों एक साथ ही हैंग आउट कर रहे थे। इन दोनों की कन्वर्सेशन से हॉली को पता चला कि टायलर और एलिसन अब तक इंटीमेट नहीं हुए। हॉली एलिसन से कहती है कि तुमने सही किया है। बहुत सारे लड़के उसके बाद इग्नोर करने लग जाते हैं। हॉली पूरी तरीके से उन दोनों को दूर दूर रखने की ट्राई कर रही थी। नेक्स्ट सीन में टायलर अपने फ्रेंड गिल को हॉली के बारे में बता देता है। वो कहता है कि वो मुझे जेलस फील कराने के लिए तुम्हारे साथ है। गिल को ये सही नहीं लगा। गिल इस बात पर गुस्सा हो गया। उसे लगता है कि हॉली सचमुच में उसे लाइक करती है। अगले दिन हॉली डायरेक्टली टायलर के घर पर पहुंच गई थी। टायलर उस पर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलना था। टायलर उसे मना करता है। हॉली ने कहा कि मैंने सब कुछ एलिसन को बता दिया है। टायलर बहुत ही डर गया, उस पर गुस्सा हो जाता है। फिर हॉली कहती है, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। वो सिर्फ टायलर को डिस्टर्ब कर रही थी। आज टायलर ने स्कूल में देखा कि हॉली की मदर विजिट करने के लिए आई हुई थी। वो जाकर उसे बात करता है। हॉली की मदर से बात करने के बाद उसे पता चला कि हॉली ने अपने बारे में उसे जो भी बताया था ये सब कुछ झूठ है। हॉली की मदर टेलर से कहती है कि हम दोनों मिले थे, ये बात उसे बताना मत। वो एक्चुअल में उसकी स्टेप मदर थी। हॉली और टायलर जिस घर में थे एक घर भी हॉली का ही था। कल रात जब एलिसन और हॉली हैंग आउट कर रहे थे तो एलिसन को लगा कि हॉली ज़रा अजीब है। इसके बारे में वो लीडिया से बात करती है। लीडिया ने कहा, मैंने भी उसे सर्च करने की बहुत कोशिश की पर वो कहीं भी नहीं मिली। उसके साथ कुछ ना कुछ तो अजीब है। इन दोनों की सारी बातें हॉली सुन लेती है। लीडिया अब उसके लिए ट्रबल हो सकती थी। ये जब कैंटीन में थे तो हॉली ने इनके लिए मिल्कशेक लाया। ये मिल्कशेक पीते पीते लीडिया को एलर्जी आती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। टायलर एलिसन से मिला तो इस सब इंसिडेंट के बाद वो बहुत ही डर गई थी। उसे गले लगा लेती है, कहती है, तुम मेरे साथ हो, मैं बहुत लकी हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हॉली को उसके स्टेप मदर से बात करता देखते हैं। वो अपनी स्टेप मदर पर गुस्सा थी क्योंकि उसे अब तक अपने फादर के सारे पैसे मिल नहीं पाते। स्टेप मदर ने कहा कि तुम्हें सारे पैसे मिलेंगे, सिर्फ तुम्हें थेरेपी के लिए जाना पड़ेगा। हॉली को मेंटल प्रॉब्लम्स थे, उसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना अच्छा नहीं लगता। वो कहती है, वहाँ जाने से अच्छा तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। उसकी स्टेप मदर भी उसे बहुत डरती है क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। आजकल हॉली और एलिसन हमेशा एक साथ टाइम स्पेंड करते थे तो इस वजह से टायलर को बहुत ही अजीब लगता है। एक दिन टायलर एलिसन के साथ डे स्पेंड करना चाहता था, पर एलिसन कहती है कि अभी अभी हॉली को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, उसे मेरी सहारे की ज़रूरत है। टायलर इस बात से और भी ज़्यादा वरीड हो जाता है। हॉली और एलिसन हैंग आउट कर रहे थे। हॉली उसे पूछती है कि अगर तुम्हारा और टायलर का बेबी होता तो तुम क्या करती, वैसे भी तुम तो बहुत ही परफेक्ट कपल हो, तुम्हारा कभी भी ब्रेकअप नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हॉली डायरेक्टली टायलर के घर पर पहुंच गई थी। उसकी सिस्टर से बात करने लगती है। टायलर ये देखता है उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसका हाथ पकड़ कर उसे ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल देता है। कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। हॉली कहती है कि तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी बच्चे की मदर हूँ। टेलर कहता है, क्या तुम मेरी हालत देख सकती हो, मैं इस बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकता। हॉली कहती है, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेलर कहता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ एक मिस्टेक थी। वो टेलर को जाने नहीं दे रही थी। टेलर ने हाथ झटकाया तो हॉली नीचे गिर जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। वो रात में एलिसन के पास आई।
उसके और टाइलर के बीच में जो भी हुआ था ये सारी चीजें सच सच बता देती है। टेलर भी सब कुछ चीजों के बारे में बहुत सोचता है। वो डायरेक्टली लीडिया के पास हॉस्पिटल में आया। वो उसे पूछता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। लीडिया कहती है, मैं हमेशा कैंटीन से मिल्कशेक लेती हूँ, पर सिर्फ एक बार हॉली मिल्कशेक लेने के लिए थी और मेरा यह हाल हो गया। उसे लगता है कि हॉली ने उसके मिल्कशेक में कुछ मिला दिया था। टेलर ने लीडिया को भी सब कुछ सच बता दिया। वो कहता है कि अब मैं एलिसन को सब कुछ बता दूंगा। अगले दिन उसने एलिसन को मिलने के लिए बुलाया, कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पर एलिसन को तो सब कुछ पता था, उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, हमने प्रॉमिस किया था कि एक दूसरे के बीच में कोई भी सीक्रेट्स नहीं होंगे। वो गुस्सा होकर वहां से चली गई। रात में हॉली का टेलर को मैसेज आया। वो कहती है कि अब तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है तो हम एक साथ रह सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टेलर उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। अगले दिन स्कूल में टेलर के पास पुलिस आए। वो कहते हैं, वेरोनिका ने तुम पर चार्जेस लगाए। ये वेरोनिका कौन है इसके बारे में टेलर को कोई भी आइडिया नहीं था। टेलर पर वेरोनिका को हर्ट करने के चार्जेस थे, ये ज्यादा सीरियस नहीं थे। तो रात में टेलर ने सर्च किया तो उसे पता चला कि वेरोनिका और कोई नहीं तो हॉली है। हॉली के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालता है। हॉली पहले जिस स्कूल में थी वहां पर भी एक स्टूडेंट को उसने असॉल्ट किया था। वो पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब है। रात में हॉली डायरेक्टली एलिसन के घर पर पहुंच गए, उसे हर्ट कर उसके हाथ पैर बांध देती है। इसकी फोटो उसने टेलर को भेज दी। टेलर बहुत डर गया, अपने फ्रेंड को भी हेल्प के लिए कॉल लगाता है। जल्दी से एलिसन के घर पर पहुंच रहा था। एलिसन हॉली से कहती है, तुम ये सब कर क्यों रही हो। हॉली कहती है कि जिस तरीके से टाइलर ने मेरा यूज किया था उसी तरीके से उसे पाने के लिए मैं तुम्हारा यूज कर रही हूँ। तुम बहुत ही स्टूपिड हो, मेरी बेबी की स्टोरी सारी चीजें तुमने मान ली थी, यानी कि हॉली प्रेग्नेंट भी नहीं है। हॉली एलिसन को अपने घर पर लेकर आई थी तो थोड़ी देर में उसकी स्टेप मदर वहां पहुंच जाती है। स्टेप मदर ने जब एलिसन को देखा तभी हॉली पीछे से आकर उसे भी मार देती है। थोड़ी देर में टेलर वहां पहुंचा, वो पूछता है कि एलिसन कहाँ है। हॉली कहती है, वो हमारा वीकेंड कितना परफेक्ट था, हम दोनों जब एक साथ है तो मुझे किसी भी चीज की वरी करने की जरूरत नहीं है। हॉली उसे बता नहीं रही थी तभी टेलर के चेहरे पर एलिसन का खून पड़ा। हॉली ने एलिसन को ऊपर लटकाया हुआ था। टेलर जल्दी से एलिसन को ऊपर से निकाल लेता है। एलिसन बेहोश थी पर वो अभी भी जिंदा है। हॉली ने पूरे घर को लॉक कर दिया था। ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो डायरेक्टली हॉली के स्टेप मदर की बॉडी उन्हें मिली। टेलर को बेडरूम के दरवाजे के बारे में पता था, वो वहां से बाहर निकला पर अब हॉली के पास गन है। वो कहती है कि मैंने कभी रियलाइज नहीं किया, एलिसन अगर मर जाती है तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। टेलर डर गया, उसे समझाने की कोशिश करता है पर हॉली एलिसन को मारने वाली थी तभी उसके गन के सामने आ जाता है, उसके शोल्डर पर गोली लग जाती है। एलिसन ने जल्दी से एक रॉड लिया और हॉली के पेट में वो डाल देती है। अब यहाँ टेलर का फ्रेंड भी पहुंच गया था और ये सब मिलकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। थोड़े दिन गुजर जाने के बाद टेलर अब ठीक हो चुका था। एलिसन और टाइलर के लाइफ में ये सब होने के बाद इन्होंने रियलाइज किया एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक साथ बहुत ही खुश थे। अब मूवी की एंड में हम देखते हैं कि उस रात हॉली को भी हॉस्पिटल में एडमिट किया था। एम्बुलेंस में एक ऑफिसर ने उसे कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, वरी मत करना। हॉली उसे देखकर भी ऑब्सेस्ड हो गई थी, वो अब उसे लाइक करने लग गई है। इसी इंटरेस्टिंग क्लिफहैंगर के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।